डोंट अंडर एस्टिमेट अस, हम वो लोग हैं जो नारियल के दरख्त से शाहीन मिसाइल बना सकते हैं। और यहाँ पे आप आएंगे तो आप देखेंगे बहुत सी अट्रैक्शंस हमारी पाकिस्तान नेवी के हिसाब से, और नेवी के अंदर किस तरह काम होता है, पुराने शिप मेकिंग कैसे होती है, और म्यूज़ियम के अंदर बहुत सारा अट्रैक्शन का आइटम, अट्रैक्शन का सामान आपके पास मौजूद है, एंड यू कैन हैव अ ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ फन। सो ये म्यूज़ियम का इंटरनल हिस्सा है, और यहाँ पे वो जगह है जहाँ पे बहुत सारे एक्वेरियम्स लगे हुए हैं, और इधर मछलियाँ और मुख्तलिफ अज़म की चीज़ें। सो लेट मी शो यू सम थिंग्स। ये यहाँ मछलियाँ हैं, और ये पूरी गैलरी है जो कि एक्वेरियम से और मुख्तलिफ किस्म की मछलियाँ यहाँ पे मौजूद हैं। माना कि ये बहुत पुरानी जगह है और बहुत ही घिसी पिटी सी लोग समझते हैं, क्योंकि लोग यहाँ पे इतना आते हैं स्कूलों की तरफ से, लेकिन व्हाट यू हैव टू डू इज़ कम हेयर अलोन और देखें यहाँ पे, पॉन्डर करें कि क्या क्या चीज़ें नई आपको नज़र आती हैं। यू कैन हैव अ लॉट ऑफ स्टफ़ टू थिंक अबाउट टू सी। म्यूज़ियम नेवी का है, नेवी का बहुत बड़ा ताल्लुक शिपिंग से है, इसलिए वर्ल्ड मैप की ज़रूरत हमेशा आपको पड़ती है। ये वो लोग हैं जो यहाँ पे आए थे, और ये वो तमाम मैप जो कि इन तमाम एयर्स के अंदर बहरी जहाज़ों के अंदर इस्तेमाल होते हैं। सो इट्स एन अमेजिंग डिस्कवरी बाय डेवलपमेंट ऑफ कराची हार्बर थ्रू एजेस। वाओ। सो दैट्स इट। इस बल्ब को लगाने के ऊपर केएसी आपको 10,000 रुपये का बिल भेज सकता है। सो यहाँ पे हमारे पास कुछ मज़ीद चीज़ें, एंड ये व्हाट इज़ दिस, ये दरअसल किश्ती बनाने की इंडस्ट्री दिखाई गई है जो कि सिंध के अंदर और मुख्तलिफ साहिली पट्टियों के अंदर मौजूद है। इस आज के दौर में भी ये इसी तरह जो शिप्स हैं वो बनाए जा रहे हैं। एंड देयर आर लॉट ऑफ गन्स 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 गन्स। ये मुख्तलिफ फांसी के बंदे जो पिछले दौरों के अंदर जालिम हुक्मरान अपने गुलामों को लगाया करते थे, ये देखें। जस्ट किडिंग, दीज आर डिफरेंट टाइप ऑफ रोप्स एंड नॉट्स। दिस इज द होल व्यू ऑफ दिस गैलरी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। सो दिस इज़ द ड्रेस ऑफ अ सी डाइवर, जो भी डाइविंग करने के लिए पानी के अंदर जाते हैं उनको ये ड्रेस पहनना पड़ता है, और मुख्तलिफ दौर के अंदर सी डाइवर्स के ड्रेस मुख्तलिफ रहे थे, और दिस इज़ द अपडेटेड शक्ल ऑफ इट। यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त ग्रास मौजूद है, और ग्रास के ऊपर आप बैठ के फैमिली के साथ कुछ भी खा पी सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं दरख्तों के साए के अंदर। इस वक्त मैं एक खजूर के दरख्त के नीचे बैठा हुआ हूँ, और इट्स एन अमेजिंग स्पॉट फॉर फैमिली रिक्रिएशन। सो दिस इज़ माय विज़िट टू पाकिस्तान मैरीटाइम म्यूज़ियम, और यहाँ की बहुत सारी अट्रैक्शंस के साथ साथ एक अट्रैक्शन, ये छोटा सा एक एम्यूज़मेंट पार्क है जिसके अंदर बहुत थोड़े से खिलौने लगे हुए हैं। तो That's it. Any questions? You can comment. Thank you very much. Assalamu alaikum.